हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। और हम लोग आज बात करने वाले हैं 12th टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। यस, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। वो क्या है भाई, रिडॉक्स जो है दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, आर ई डी, रेड प्लस ओ एक्स ऑक्स। तो आर ई डी जो है रिडक्शन से लिया हुआ है, ओ एक्स जो है वो लिया गया है ऑक्सीडेशन से। तो इसको हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब सबसे पहली बात होती है, जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और क्या है, पहले उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग रिडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का है 12th टॉपिक है, इससे पहले हम लोग 11th टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। जैसा कि आप देखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से क्लियर है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और डेशन मतलब एडिशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन जिस प्रोसेस में हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ नाम से क्लियर है। तो फर्स्ट डिफिनेशन इसका, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ही फॉर्मेशन कर लिया तो इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कार्बन के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो MgO का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, Mg के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो CuO का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों प्रोसेस जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चलिए आते हैं हम लोग रिडक्शन प्रोसेस पर। इट इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। जैसे सोडियम को अगर हम लोग हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, NaH। तो इस प्रोसेस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन सोडियम, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें रिडक्शन हो रहा है। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दे रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, MgH2 का फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन Mg। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। अगर नाइट्रोजन को H2 के साथ कंबाइन करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी क्या, किस प्रोसेस का नाम है, रिडक्शन प्रोसेस का नाम है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो इस दोनों प्रोसेस में देखिएगा, एक प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरा प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताइए, जो आपको इतना ही तक जरूरत है 10th में, लेकिन NTSC और इस सब का जो एग्जामिनेशन दीजिएगा, जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसमें इतना ही से काम नहीं चलेगा। हम जितना आपको आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको 12th तक नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो हम आपको टोटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दे रहे हैं, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना दिमाग में रखें, और ज़रूरत जब NTSC जो भी कंपटीशन लेवल का बात होता है तो कंपटीशन लेवल में सारा ज़रूरत है, लेकिन अगर 10th का बात करें तो इतना ही से आपका काम चल सकता है। चलिए सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब एक बात होता है, जब आप के आपके बॉडी के ऊपर अगर कोई पानी फेंक दिया तो आप भींग जाते हैं, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई कलर फेंकेगा तो आप नहीं भींगेंगे, उसमें भी भींग जाएंगे। अगर आपके बॉडी पर कोई पेट्रोल छीट देगा, मतलब पेट्रोल आपके बॉडी पर डाल देगा, तो उससे भी आप भींग सकते हैं। या फिर आपके बॉडी पर अगर कोई किरोसिन ऑयल दे दिया तो उससे भी आप क्या हो सकते हैं, भींग सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है, केवल पानी से भींगना मतलब नहीं है, ऐसे वो सारे चीज़ जो पानी के तरह बिहेव करता है, जो लिक्विड है, उससे आप क्या होंगे, भींग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं तो क्या वो हर एक एलिमेंट जो ऑक्सीजन के तरह होगा उसके एडिशन को ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन क्या है,
ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन के जगह पर नॉन मेटल टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनेशन आपका हो जाएगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच नॉन मेटालिक एलिमेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लाता है, इस वजह से उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इट इज अ प्रोसेस इन विच नॉन मेटालिक एलिमेंट और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इज एडेड, अगर ऐसा वो सारा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा और कोई भी नॉन मेटल ऐड हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे अगर Fe को Cl2 के साथ कंबाइन करवाएंगे तो FeCl3 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ नॉन मेटल इन आयरन, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ कंबाइन करवा देंगे तो MgCl2 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, नॉन मेटल, तो ये भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो अब देखिए रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कह रहे थे, लेकिन क्या हाइड्रोजन H प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, यस yes, करता है। H प्लस आयन का फॉर्मेशन कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखता है क्या हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कौन रखता है, मेटल रखता है, तो क्या हम लोग हाइड्रोजन की जगह पर मेटल टर्म यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटालिक एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स is added। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहेंगे, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज लाता हो अपने ऊपर, तो उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज रिडक्शन। तो अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, अगर एच जी प्लस एच जी सी एल टू, एच जी सी एल टू के साथ अगर एच जी का रिएक्शन करवा देंगे तो एच जी टू सी एल टू का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एच जी सी एल टू में एच जी जा करके ऐड हो रहा है और एच जी मरकरी, मरकरी क्या है, मेटल है, एडिशन ऑफ मेटल इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पर सी यू सी एल टू के साथ अगर सी यू का रिएक्शन करवा देंगे कॉपर का, तो सी यू टू सी एल टू का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉपर, और कॉपर क्या है, मेटल, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, एडिशन ऑफ मेटल इज नॉन एज रिडक्शन। अब थर्ड डिफिनेशन आपका क्या, यहाँ पर देखिए नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जुड़ना, जुड़ने को प्रोसेस, जुड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मेटालिक एलिमेंट्स के रिमूविंग के प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, बिल्कुल, जब नॉन मेटल जुड़ेगा या फिर मेटल हटेगा। यहाँ पर क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, जब हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो उसको रिडक्शन कह रहे थे और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए H2S plus Br2, HBr plus S का फॉर्मेशन हो रहा है, अब H2S से क्या गायब हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, इस वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे थे, ऑक्सीजन के रिमूव होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए CuO plus H2, अगर CuO H2 के साथ कंबाइन करेगा तो Cu plus H2O का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, और ऑक्सीजन के गायब होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। ऑक्सीजन के एडिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज जस्ट रिवर्स देन रिडक्शन। तो अब है आपका फोर्थ डिफिनेशन, फोर्थ, यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चलिए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटालिक एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स इज रिमूव्ड, तो यहाँ पर मेटालिक एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होगा, रिमूव हो रहा होगा, तो उसको प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे Hg2Cl2 को अगर हीट करेंगे Hg plus HgCl2 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर Hg2Cl2 से क्या गायब हो रहा है, Hg, और Hg क्या है, मेटल, मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इस वजह से यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन।
CuO plus H2, Cu plus H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, तो CuO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पर, गायब हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसका मतलब ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा है आपका, इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल इज रिमूव्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉन मेटलिक एलिमेंट्स क्या होगा, रिमूव हो रहा होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स या नॉन मेटल को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ पर रिमूवल ही हो रहा है, जैसे AuCl2 को अगर हीट करेंगे तो AuCl प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, तो AuCl2 से क्या गायब हो रहा है, क्लोरीन, तो इसको क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, तो प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। AgCl को हीट करेंगे तो Ag प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है, तो क्लोरीन क्या हो रहा है, Ag से गायब हो रहा है, रिमूव हो रहा है। यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो इस प्रोसेस का नाम क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन। तो अभी हम आप लोग कितना प्रोसेस देखे, चार प्रोसेस देखे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का चार डिफिनेशन है, किसके बेसिस पर, एलिमेंट्स के बेसिस पर। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो फिफ्थ प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे अगर Fe2 प्लस आयन है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे तो Fe3 प्लस बन जाएगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम है, एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेंगे तो Mg2 प्लस का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन में, इट इज अ प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जैसे Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe2 प्लस का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। Mg2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें फॉर्म हो रहा है, Mg का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोसेस इन नॉन एज रिडक्शन। तो ये आपका था फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग कितना टोटल प्रोसेस देखे, फाइव प्रोसेस सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।